अभी फाइनली गेट का अंदर आ चुके हैं दोस्तों, आप सभी देख सकते हो। तो ये इंदिरा गांधी पार्क है, आप लोग इस साइड में ले चलते हैं कि कैसा है वो सब दिखाएंगे। आप लोग वीडियो पे बने रहिए और आगे में जो बहुत कुछ है देखने को मिलेगा वो सब आप लोग को दिखाएंगे। आप लोग वीडियो पे फुल वॉच करना ताकि आप लोग वीडियो को अच्छे से देख पाओगे। तो अभी आप लोग को ले चलते हैं, चलो तो स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पार्क कैसा है वो सब दिखाना। ये सामने में ये सब बना हुआ है दोस्तों, आप सभी देख सकते हो इतना मस्त से तैयार किया गया है। तो आप लोग को किस साइड में ले चलते हैं, इस साइड का वीडियो अभी बनाया हुआ नहीं है, इस साइड में आप लोग को ले चलते हैं किस तरह है। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए, चलो इस साइड में आप लोग को लेके चलते हैं। सब तरफ सब लोग को वीडियो करके दिखाएंगे किस तरह है। इधर साइड भी इतना मस्त लग रहा है ना दोस्तों, इधर में भी है, आप लोग देख लो किस तरह है। और ये भी दिखा देते हैं आप लोग को कितना अच्छा लग रहा है सामने जा। चलो ले चलते हैं आप लोग को, यार आप लोग देख सकते हो इतना मस्त बनाया गया है दोस्तों। सब तरह से आप लोग को दिखाते हैं ऐसा ऐसा बनाया हुआ है दोस्तों, इधर आप लोग देख लो। फिर उधर आप लोग को ले चलते हैं उस तरफ किस तरह कैसा है, क्योंकि हम भी नहीं आए हैं तो हमको भी उतना पता नहीं है। तो आप लोग को अपना चैनल का माध्यम से आप लोग को दिखा रहा हूँ, तो आप लोग देख लेना किस तरह है। इधर आप लोग देख सकते हो इतना अच्छे से डिजाइन किया गया है दोस्तों। तो फिर अभी आप लोग उस इस साइड में लेके चलते हैं, और उस साइड में एक प्लेट का बनाया हुआ है वो भी आप लोग को दिखाते हैं। इसको देख सकते हो दोस्तों कितना लंबा बनाया गया है, उधर से वहाँ तक बहुत ही लंबा है। और उस साइड में आप लोग को ले चलते हैं, उधर का वीडियो भी आप लोग को दिखाते हैं। अभी इस साइड से आए हैं तो इधर पीछे तरफ से भी इसको दिखाते हैं किस तरह बनाया हुआ है, ऐसा रेडी किया गया है। और उधर मैक प्लेट है उसको भी आप लोग को दिखाते हैं। तो चलो वीडियो पे आप लोग बने रहो, हम ले चलते हैं आप लोग को। देखो इसको मैं सामने से आप लोग को ले चलता हूँ, सामने से आप लोग को दिखाएंगे कितना मज़ेदार दिख रहा है दोस्तों, कितना अच्छे से बनाया गया है। ये जो पार्क है ना, ये इंदिरा गांधी पार्क है कर्नाटक का, जो मैजेस्टिक से ज़्यादा दूर नहीं है, मैजेस्टिक से वही 15 रुपया तक भाड़ा लग जा सकता है। क्योंकि हमको तो पता नहीं चला कितना लगा, क्योंकि वो पास बनाए थे तो पास में, तो इधर का ऐसा सिस्टम है ना, पास में जैसा कौन सा भी गवर्नमेंट वाला बस में आप लोग बैठ सकते हो, कोई टिकट दोबारा नहीं लगता है, ओनली एक बार 70 रुपये लगेगा, उसमें दिन भर आप घूम सकते हो। अपना झारखंड में तो ऐसा नहीं है, नहीं तो और मज़ा आता, अपना गाड़ी छोड़ के बस में घूम सकते हो। तो इधर कितना अच्छा है, तो सामने ले चलते हैं आप लोग, यहाँ से आप लोग को दिखाते हैं कितना मस्त है, इतना लंबा बनाया गया है, इतना अच्छा दिख रहा है ना दोस्तों, सब भी अच्छे से देख लो। और इसी तरह का वीडियो किसी का चैनल पे भी नहीं मिलेगा, ये बात मैं हमेशा बोल रहा हूँ, किसी का चैनल पे भी नहीं मिलेगा ऐसा पार्क का वीडियो। तो जो आप लोग चैनल का माध्यम से देख लो अच्छे से दोस्तों, कितना अच्छे से रेडी किया गया है यहाँ। तो ऐसे ही से वीडियो मैं अपलोड करते रहता हूँ साजन एसटी ब्लॉग चैनल पर, आप लोग सपोर्ट ज़रूर करना। तो चलो मैं अभी आप लोग को उस साइड पे ले चलता हूँ, उस साइड का वीडियो मैं दिखाता हूँ। बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों ये पार्क में घूम के हमको, और भी इससे और अच्छा अच्छा पार्क है, तो उस सब पार्क भी आप लोग को ले चलते हैं। तो ऐसा ऐसा जो वीडियो आप लोग को नहीं मिलेगा, तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आप लोग ज़रूर सपोर्ट करना, और साजन एसटी चैनल को जरूर ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना। इसी तरह का वीडियो मैं अपलोड करते रहता हूँ, और भी तरह का वीडियो मैं अपलोड करूँगा। तो आप लोग का सपोर्ट का ज़रूरत है हमको दोस्तों, और जितना आप लोग का लाइक और कमेंट आएगा उतने ही हम भी वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं, और कोशिश करते हैं कि ऐसा ऐसा जगह भी जा पाऊँ कि किस किस जगह का वीडियो और पार्क अच्छा लगेगा, ऐसा ऐसा जगह भी मैं जा करके आप लोग के लिए वीडियो अपलोड कर सकूँ।